सो हेलो गाइस और स्वागत है आपका मेरे चैनल पोकेमोन की दुनिया में। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे पोकेमोन्स के बारे में बताऊंगा जो डॉग्स की तरह दिखते हैं या डॉग्स की तरह हैं। मतलब सच में आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 डॉग पोकेमोन्स। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और पोकेमोन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 आर्कनाइन। गाइस आर्कनाइन एक डॉग की तरह दिखता है और जैसे डॉग्स को पुलिस यूज करती है वैसे ही पोकेमोन में पुलिस आर्कनाइन को यूज करती है। और आर्कनाइन एक फायर टाइप पोकेमोन है और आर्कनाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आर्कनाइन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मतलब आर्कनाइन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। और आर्कनाइन के पास फ्लेम थ्रोवर, एक्सट्रीम स्पीड, फ्लेयर ब्लिट्स और फायर ब्लास्ट जैसे पावरफुल अटैक्स हैं। नंबर 4 लाइकेनरॉक। गाइस लाइकेनरॉक एक रॉक टाइप पोकेमोन है और लाइकेनरॉक भी एक डॉग जैसा दिखता है। और गाइस ऐश के पास भी एक लाइकेनरॉक है और गाइस लाइकेनरॉक ने ऐश को अलोला लीग जिताया था। और गाइस लाइकेनरॉक के पास 3 फॉर्म्स हैं, डस्क फॉर्म, मिडनाइट फॉर्म और मिडडे फॉर्म। और लाइकेनरॉक के पास बहुत सारे पावरफुल अटैक है जिससे वो किसी भी पोकेमोन को डैमेज कर सकता है या फिर उसे हरा सकता है। जैसे लाइकेनरॉक के पास है बाइट अटैक, एसिले रॉक अटैक, रॉक थ्रो अटैक और स्टोन एज अटैक। नंबर 3 हाउंडूम। गाइस हाउंडूम एक डार्क और फायर टाइप पोकेमोन है और अभी तक जितने भी हाउंडूम हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल हाउंडूम है मालवा का हाउंडूम। और गाइस हाउंडूम भी एक डॉग जैसा दिखता है और हाउंडूम के पास मेगा एवोल्यूशन भी है। और मेगा इवॉल्व होने के बाद हाउंडूम पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा पावरफुल हाउंडूम है मालवा का, तो गाइस मालवा के मेगा हाउंडूम ने अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स को बहुत डैमेज कर दिया था। और गाइस अगर अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स ब्लास्ट बर्न यूज नहीं करता तो मालवा का मेगा हाउंडूम अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स को भी हरा सकता था। सो गाइस आप सोच ही सकते हैं जो पोकेमोन मेगा चार्जर्ड एक्स जैसे पावरफुल पोकेमोन को इतना डैमेज कर सकता है वो खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और हाउंडूम के पास फ्लेम थ्रोवर, डार्क पल्स और क्रंच जैसे पावरफुल अटैक हैं जिससे वो किसी भी पोकेमोन को हरा सकता है या फिर कम से कम उसे टक्कर तो दे ही सकता है। नंबर 2 एंटे। गाइस एंटे एक लेजेंडरी पोकेमोन है और एंटे भी एक डॉग जैसा दिखता है। वैसे तो ये डॉग से थोड़ा बहुत अलग दिखता है लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये डॉग जैसा ही दिखता है। एंटे एक फायर टाइप पोकेमोन है और एंटे की बेस स्टैट्स 580 हैं। एंटे को होहो ने बनाया था और एंटे लेजेंडरी बीस्ट का एक मेंबर है। और गाइस एंटे बहुत पावरफुल है जैसा कि आप जानते ही हैं। और एंटे किसी भी वोल्केनो को इरप्ट करवा सकता है। और एंटे के पास बहुत सारे पावरफुल अटैक्स हैं जैसे ओवरहीट, सीक्रेट फायर और इरप्शन जैसे पावरफुल अटैक। नंबर 1 जेशियन एंड जमेजेंटा। गाइस अगर आपने गैलार रीजन देखा है तो आपको जेशियन एंड जमेजेंटा के बारे में पता ही होगा। गाइस जेशियन एंड जमेजेंटा गैलार रीजन के सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन हैं। और जेशियन एंड जमेजेंटा लेजेंडरी पोकेमोन हैं। जेशियन फेरी और स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है और जमेजेंटा एक फाइटिंग और स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है। जेशियन एंड जमेजेंटा इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उन्होंने बहुत आसानी से इटर्नामैक्स इटर्नेटस जैसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन को बहुत आसानी से हरा दिया था। और जेशियन का सबसे पावरफुल अटैक है बहमत ब्लेड और जमेजेंटा का सबसे पावरफुल अटैक है बहमत बैश। और बहमत ब्लेड और बहमत बैश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक हैं और जेशियन एंड जमेजेंटा दोनों ही बहुत फास्ट पोकेमोन हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।